नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज बारिश का सा मौसम है, शायद शाम तक बारिश आ जाए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस साइड जो काले बादल हैं, दोस्तों आज मैं आपको मेरे जो सकुलेंट प्लांट हमने मंगाए थे और उसकी अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने ग्रो हुए हैं वो। तो चलिए मैं आपको मेरे सकुलेंट प्लांट की ग्रोथ जो है वो दिखाता हूँ। दोस्तों अभी तक अगर आपने मम्मल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। देखिए कुछ प्लांट हमने इसके अंदर लगाए थे, इस पॉट के अंदर। आपने इसका जो कैसे हमने इसको प्लांट किया था वो वीडियो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए जब हमने ये प्लांट लगाया था उसके बाद प्लांट की जो ग्रोथ है काफी अच्छे से स्टार्ट हो रही है। इन प्लांटों पर इतना पता नहीं चलता कि ग्रोथ स्टार्ट हुई है नहीं, लेकिन इसके नीचे इसके बीच के जो लीव्स हैं ये बाद में आए हैं। एक ये देखिए, इस प्लांट में देखिए ग्रोथ कितनी अच्छे से हुई है। ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे नई ब्रांचेस स्टार्ट हो गई है, तो इनके हम कटिंग बाद में लगाएंगे। यहाँ से देखिए एक बेबी प्लांट ग्रो गया है लगाने के बाद, तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ये जितना हिस्सा है ये हिस्सा बिल्कुल नया ग्रो किया है, और ये देखिए स्टेरिंग ऑफ बनाना ये भी काफी ग्रो कर गया है। और यहाँ पे देखिए इसके कुछ रूट्स भी आ गई है, यानी कि इस प्लांट को हम यहाँ से अलग करके भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ से अलग कर देता हूँ। यहाँ से हम इसकी रूट्स जहाँ से आ रही है उसको हम यहाँ से ये देखिए, तो इस प्लांट को मैं यहीं पे लगा दूंगा इन्हीं के बीच में। आई थिंक यहाँ पे ठीक रहेगा, यहाँ पे लगा देते हैं। थोड़ी सी मिट्टी को मैं इस तरह से हटा दूंगा और इसके अंदर इस तरह से इसको लगा देंगे, और इसी तरह से मैं इसको मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। देखिए अब दो प्लांट हो गए हमारे इस पॉट के अंदर इसके। मैंने कुछ इनकी जो पत्तियां हैं उनसे भी इनको प्रोपोगेट किया है, चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ मैंने यहाँ पे लगाए हैं, और ये सकुलेंट जो हमें गीता जी ने दिए थे वो है। एक ये कैक्टस मेरे पास था, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे ये दिख रहे होंगे, इनको भी हम ग्रो करेंगे। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह पे लगा देंगे, तो इस तरह से ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके भी काफी प्लांट बन जाएंगे। ये देखिए दोस्तों एक पत्ती मैंने यहाँ पे लगाई थी जो कि ग्रो गई है, एक पत्ती मैंने यहाँ पे डाली थी वो ग्रो गई है, एक पत्ती ये डाली थी ग्रो गई है। ये कुछ पत्तियां मैंने परसों लगाई थी यहाँ पे, होप ये भी अच्छे से ग्रो कर जाएगी। ओके दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।